पाकिस्तान में आतंकी हमले पर बड़ी अपडेट है। मियांवाली एयरबेस के आसपास स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। मियांवाली एयरबेस के अंदर से अभी भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। एयरबेस के अंदर लगातार आग की लपटें भी उठ रही है, आपको वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मियांवाली एयरबेस के आसपास जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे। देखिए आपको वीडियो दिखा रहे हैं, मियांवाली एयरबेस बताया जाता है ये, जहां पर आतंकी घुसा है और यहां पर फायरिंग की आवाजें भी आप सुन पा रहे होंगे। तहरीके जिहाद का नाम सामने आ रहा है गुलाम, और कहा जा रहा है कि एयरबेस को अपने कब्जे में ले लिया है तहरीके जिहाद ने, हमले की जिम्मेदारी भी ली है। क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए तरीके जिहादे पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है। अभी तक अंदर क्या सिचुएशन है वो तो किसी को भी नहीं पता, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि वहां पर अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब 1 नवंबर को कहा गया था कि अफगान इमिग्रेंट यहाँ से निकल जाएँ, जो इनलीगल इमिग्रेंट हैं उनको निकल जाए, तो उसके बाद हमें अफगानिस्तान की तरफ से कड़ा रुख देखने में आया था। और कल हमने मुल्ला जो उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनका स्टेटमेंट और अफगानिस्तान के तालिबान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो देखा उस पे भी धमकी नजर आ रही थी। तो अब ये एक अटैक होना, और कल खासकर आज ये सुबह-सुबह ये अटैक हुआ, और कल क्वेटा में पसरी में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर अटैक हुआ। केपी में कल अटैक हुआ टांक में, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। तो ये एक पूरी सीरीज उसके बाद शुरू हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान से ने ये ऐलान किया कि जो इनलीगल इमिग्रेंट है अफगानिस्तान के और दूसरे देशों के उनको हम निकालेंगे, तो उसके हमें लग ऐसा रहा है कि एक नई वेव पाकिस्तान को टकरा रही है और पाकिस्तान में शुरू हुई है। और कल से लेकर अब तक ये तीसरा बड़ा हमला है। बिल्कुल 14 लोग पिछली बलूचिस्तान कल से लेकर अब तक तीसरा बड़ा हमला। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गुलाम, जुड़े रहे हमारे साथ। और देखिए जो बड़ी जानकारी है इस हमले को लेकर, तहरीके जिहाद पाकिस्तान इस तंजीम का नाम सामने आ रहा है, इसने जिम्मेदारी ली है। पहली बार हमले में नए संगठन का नाम सामने आया है। तो जल्दी से आपको इस खबर से जुड़ी जानकारी दे देते हैं, अभी तक जो अपडेट्स हम तक पहुंची है। देखिए पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बिग बॉल पर आपको अभी तक की पूरी अपडेट बताएंगे कि कहां पर पाकिस्तान में ये बड़ा हमला हुआ है। देखिए मियांवाली बेस के अंदर घुसे हुए आतंकी, देखिए मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं लाहौर के आगे, यहां पर देखेंगे आप ये रेड लोकेशन आप देखेंगे तो यहीं पर है मियांवाली एयरबेस, जहां पर इस वक्त आतंकियों के घुसे होने की जानकारी है। फिदायीन आतंकी हमले में शामिल है और तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने फिलहाल हमले की जिम्मेदारी ली है। और जानकारी यह भी बताई जा रही है कि ऐसी धमकियां पहले भी मिली और उसके बाद यह तीसरा बड़ा हमला है। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, अभी भी वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। देखिए आपको नक्शे के जरिए हम दिखाते हैं, ये मैप है, ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं। यहां पर लाहौर है, ये देखिए पाकिस्तान, और ये जो आप रेड लोकेशन देख रहे हैं आप, यहीं पर बताया जा रहा है कि मियांवाली बेस है जहां पर आतंकी घुसाए हैं। आतंकियों की संख्या कितनी है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले भी धमकी दी जा चुकी थी और इसी धमकी का असर है कि ये बड़ा आतंकी हमला यहां पर हुआ है।